सो हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वाचिंग यूपीएससी लाइब्रेरी। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भुवन पोर्टल के बारे में, बिकॉज अभी जो मैप माई इंडिया है उसने इसरो के साथ मिलके एक इंडिया का जो अभी जो यूएसए का जो है जीपीएस, उसी की तरह इंडिया के लिए अलग से अपना जो देसी वर्जन बोल सकते हैं जीपीएस का, वो बनाया। तो उसी को उसमें भुवन पोर्टल का यूज़ किया गया है इसरो के साथ, मैप माई इंडिया के साथ। सो इसरो अनाउंस भुवन एज ए देसी अल्टरनेट टू गूगल एम मैप्स। सो गूगल एम मैप्स जो होंगे वो इंडिया का जो गूगल इनिशिएटिव होगा, मतलब जो इंडिया का देसी अल्टरनेट्स होगा वो उसको, जो गूगल मैप जो हम यूज़ करते हैं उसका एक अल्टरनेटिव होगा और वो इंडिया का ओरिजिनल होगा। सो इस चीज़ को याद रखना। सो कुछ इस तरह का दिखने वाला है। सो ये जो मैप माई इंडिया है उसके साथ इसरो कर रहा है, उसने अनाउंस किया, तो उसमें भुवन पोर्टल का यूज़ किया जाएगा। तो इस लेक्चर में देखेंगे थोड़ा इसके बारे में। देन इसके अलावा आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। सो ये न्यूज़ आर्टिकल कटआउट है। सो इसमें लिखा है कि इसरो अनाउंस भुवन ए देसी अल्टरनेट टू गूगल मैप्स। सो जैसे कि आपको पता है गूगल के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो उनमें से एक ये है गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स की काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली है इंडिया में, और बाकी अदर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो गूगल की बहुत ज़्यादा मोनोपोली है। सो अगर कहीं भी कोई भी लोकेशन के लिए तो यूज़ करता है तो सबसे पहले गूगल मैप्स का यूज़ करता है, और बाकी इसके अलावा जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं तो उनमें ये जो गूगल की जो काफ़ी सारी जो ऐप्स जो होती हैं, लाइक जीमेल हो गया, गूगल मैप्स हो गया, तो ऐसी गूगल के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी जो एंड्रॉयड जो फ़ोन होते हैं उनमें इनबिल्ड होती है। तो इस वजह से जो गूगल के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं, और नहीं वैसे ऑल ओवर इंडिया में जो गूगल ऑल ओवर इंडिया और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में गूगल के जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो उसी चीज़ को देखते हुए इंडिया में जो है इसरो जो मैप माई इंडिया के साथ मिलकर एक उसका एक अल्टरनेटिव बना रहा है, तो उसी के बारे में ये पूरा ये लेक्चर है। तो इसी के बारे में इसमें लिखा हुआ कि इसरो अनाउंस भुवन ये देसी अल्टरनेट टू गूगल मैप्स। सो इस चीज़ को याद रखना। सो ये पूरा ये एक इंडिजिनियसली जियो स्पेसिफिक पोर्टल होगा, तो इस चीज़ को याद रखना। सो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एन अटेम्प्ट टू कम्पीट विद गूगल मैप्स। सो पूरा गूगल मैप से हम कम्पीट करेंगे, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको इसरो बोला जाता है, सो एंड डिजिटल मैपिंग एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी जो है जो प्रोवाइड करता है, क्या नाम है इसका, मैप माई इंडिया। तो ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो इसको डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो उस चीज़ को याद रखना। तो उसने वो ये कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है इसके इसरो के साथ, दोनों इसरो और मैप माई इंडिया, तो ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे इंडिया में एज ए गूगल मैप की तरह। सो ये जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तो गूगल मैप से उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, बिकॉज ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी होगी और वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से गूगल मैप से भी और ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है। इसके अलावा गूगल की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, उसके सैटेलाइट भी है जो ऑलरेडी उसने लॉन्च कर रखी है, तो इससे जो मैप माई इंडिया को जो कंपनी है उससे उसको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो भी जो मैप की जो क्वालिटी जो होगी या गूगल मैप की जो लोकेशन होगी वो और ज़्यादा इन्हेंस होके आएगी। तो इसी वजह से इन दोनों ने, इसरो ने और मैप माई इंडिया ने कोलैबोरेट स्टार्ट किया है। सो एज ए फॉरन सर्च इंजन एंड कंपनीज क्लेम टू ऑफर फ्री मैप्स। तो इसके अलावा हम बोले हैं कि जो इंजन है, जो गूगल इंजन है या जो फॉरन कंपनी है, वो क्लेम कर दें कि हम फ्री मैप्स प्रोवाइड करा रहे हैं, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता, बिकॉज दे मेक मनी बाई टारगेटिंग द सेम यूजर्स विद एडवर्टाइजिंग। बट ऐसा इसलिए नहीं होता है बिकॉज वो बेशक आपको फ्री मैप्स तो प्रोवाइड करा रहे हैं, बट उसके अलावा उसके बदले में वो एडवर्टाइजिंग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो देखा होगा आपने कि आपको काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, तो वो वहीं से ही वो उसका अर्न कर रहे हैं, वो अपना जो अर्निंग है वो वहीं से ही कर रहे हैं। तो इस बेशक आपको लगता है कि वो कि हमें जो सर्विस दे रहे हैं वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, पर ऐसा नहीं होता, वो एडवर्टाइजिंग की वजह से ही वो अपना अर्निंग करते हैं। सो बाई इन्वेडिंग द यूज़र प्राइवेसी, तो इसमें जो यूज़र की जो प्राइवेसी है वो हार्ड होती है, उसको इन्वेड करते हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए एंड ऑक्सिंग द प्राइवेट लोकेशन एंड मूवमेंट डेटा। तो जब भी आप गूगल लोकेशन जब ऑन करते हैं तो वो आपकी एक तरीके से जो लोकेशन है उसको, मतलब उसको इन्वेट करते हैं, उसको चेक करते हैं, जो आपका जो मूवमेंट होता है उसको ट्रैक करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको आपके पास वो एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं, और पूरी एक तरह से आपकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है एक फॉरेन कंपनीज के द्वारा। तो इसमें बोला है, तो ये
ट्विटर का है। तो ट्विटर में जो इसरो का जो मैप ऑफ इंडिया ने, तो उन्होंने बोला है कि इसरो के साथ जो उन्होंने कोलैबोरेट स्टार्ट किया है, तो ये जो इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत है उसका जो इनिशिएटिव है उसको भी बहुत बड़ा पोज देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर ये इनिशिएटिव सक्सेस हो जाता है तो ये ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के अलावा बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी इस चीज़ का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और ये चीज़ और भी बड़े लेवल पर भी की सकते हैं, बिकॉज इससे जो इंडिया का जो गूगल का जो GPS सिस्टम जो है, गूगल अर्थ है, जो गूगल मैप्स है, उसको भी कम्पीट कर सकते हैं। तो इससे जो जो इससे जो इंडिया की जो इमेज जो है सुपर पावर वाली, वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी और इंडिया का जो वर्ल्ड में जो जियोपॉलिटिकल में जो रोल है, जो इमेज है, और ज़्यादा इंक्रीज होगी और ज़्यादा बढ़ के आएगी। तो इससे इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो इंडिया का जो IT सेक्टर है, और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इससे ही बताया जा, सो नाउ इंडियन यूजर्स कैन लीवरेज मेड इन इंडिया मैप्स नेविगेशन एंड GIS सर्विसेज। तो इसमें बोला है कि जो इंडियन यूजर हैं उनको मेड इन इंडिया चीज़ें सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। सो भुवन पोर्टल के बारे में थोड़ा देखते हैं। सो एक टाइप ऑफ वेब पोर्टल है जिसमें फाइंड एंड एक्सेस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एसोसिएटेड ग्राफिक सर्विस होंगी, लाइक जिसमें डिस्प्ले होंगी, एडिटिंग, एनालिसिस, इसमें आप सीजन कर सकते हैं। सो उनके जो भुवन पोर्टल में जो चीज़ें होंगी उनसे आप अपने एनालिटिक्स या एडिटिंग डिस्प्ले उसमें यूज कर सकते हैं वाई इंटरनेट। सो अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ इंडिया, जो उनके जो CEO हैं और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रोहन वर्मा, उन्होंने बोला है कि सर्विस विल कंबाइन द पावर ऑफ कंपनीज। सो उसमें मुझे जो सर्विस जो इंडिया जो कंपनी की जो पावर है, लाइक जो डिजिटल मैप हो गया और जो टेक्नोलॉजी है इसरो को, उन दोनों को मिला के एक सैटेलाइट इमेज अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा बनाया जाएगा। तो इसमें बोलना है कि जो कंपनी की जो डिजिटल मैप हो गया और प्लस जो इसरो की जो टेक्नोलॉजी है, तो उन दोनों को मिला के एक इंडिया के लिए बहुत ही जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा सकता है जो कि इंडिजिनियस होगा, जो मेड इन इंडिया GPS होगा। तो इसमें भी बताएगा। सो इसके अलावा ये जो पोर्टल है वो जो भुवन पोर्टल है वो 2009 में लॉन्च किया गया था और ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, 4 लैंग्वेज में अभी अवेलेबल है। तो इस चीज़ को याद रखना, भुवन पोर्टल ये कब हुआ था, 2009 में लॉन्च हुआ था और ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु, ये 4 लैंग्वेज में है। तो इस चीज़ को याद रखना। देन ये कुछ ऐसा दिखता है भुवन पोर्टल, जब आप जाओगे साइट उसको ओपन करोगे तो इसमें भुवन 2D में भी मैप देखने को मिलेंगे, 3D में भी मैप देखने को मिलेंगे, इसमें डेटा भी है, देन क्लाइमेट एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी आपको उस तरह की तरह से उसमें मैप इंडिया का देखने को मिलेंगे। देन इसमें थीमेटिक सर्विस होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट सर्विस में तो इसका यूज़ किया जाए जो, और इसके अलावा जो ओशन सर्विस है कि कहाँ कैसे हैं, तो वो भी चीज़ इसमें देखने को मिलेंगे। सो इसमें काफ़ी तरह के मैप्स इसमें देखने को मिलेंगे। देन ये कुछ ऐसा इसमें दिखता है। सो ये भुवन पोर्टल का कटआउट है पूरे वेबसाइट का, तो ये कुछ अगर देखा जाएगा तो ये मैप्स है। तो इसमें जो सैटेलाइट का जो हाइब्रिड वाला इसमें देखा रखा है, तो ये कुछ इस तरीके से मैप देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को याद रखना। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी में अभी इसरो प्रोवाइड कर रहा है ऑलरेडी, और इसके अलावा जब ये मैप माई इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेगा तो और जो मैप की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस होके आएगी, जिससे हम गूगल मैप्स को कम्पीट कर सकते हैं। सो इट इज़ ए पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन इन इंडिया जर्नी टुवार्ड्स द आत्मनिर्भर भारत। सो इंडिया की जो आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है उसके लिए बहुत बड़ा पुश हमें देखने को मिलेगा, एक माइलस्टोन क्रिएट होगा। सो इसके बाद इंडियन यूजर्स वुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैप। सो इसके बाद जब ये चीज़ सक्सेस हो जाएगी तो इंडियन यूजर्स जो हैं, जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो लाइक जो गूगल अर्थ होगी, ये इसके अलावा और भी जो बायदू हो गए, वैसे तो बायदू काफ़ी कम इसके ऑपरेटर हैं इंडिया में, बट जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जो है मैप या जो नेविगेशन चीज़ें ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं होगी जो इंडियन पब्लिक है। तो इसमें ऐसा बताने की कोशिश की गई है। देन मैप माई इंडिया के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये एक इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि डिजिटल मैप प्रोवाइड कराती है, लाइक टेलीमेटिक सर्विस हो गए, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइड कराती है। सो ये एक अल्टरनेट हो गया गूगल मैप की तरह, बट ये इसका जो एरिया है वो काफ़ी कम, बिकॉज ये काफ़ी मतलब ये व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ज़्यादा अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो इसके बारे में देखा जाए कि ऑलमोस्ट ऑल द व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हु केम विद द बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम आर यूजिंग मैप इंडिया। सो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो होती हैं इंडिया में व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहाँ पर जो नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है वो मैप माई इंडिया कंपनी के थ्रू ही कराया जाता है। सो मैप माई इंडिया कंपनी जो मैप माई इंडिया जो कंपनी है वो ये चीज़ें सर्विस प्रोवाइड कराती हैं जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडिया में ऑलमोस्ट सभी की। तो इसमें जैसे देखा है कि व्हीकल नेविगेशन सिस्टम हो गया, तो मैप में इसमें जो लिखा है डार्क में, तो मैप में इंडिया इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट
कंपनी इन द स्पेस विद 85 से लेके 90% का जो मार्केट है शेयर है वो इस कंपनी का. सो इसमें वो पोर्टेबल नेविगेशन डिवाइसेस प्रोवाइड कराते हैं. सो दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर द कार शोरूम. सो इनके जो प्रोडक्ट हैं, इनके जो सर्विस हैं, लाइक टोयोटा हो गया, जनरल मोटर हो गया, फोर्ड हो गया, महिंद्रा, फियाट, या ये बाकी कंपनीज ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनकी सर्विसें प्रोवाइड करते हैं. सो ये कंपनी काफ़ी बढ़िया है, बट लेकिन ये मोस्टली व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में काम कराती हैं. देन इसके अलावा इसरो और भी जो भुवन पोर्टल के अलावा कुछ और पोर्टल भी ऑर्गेनाइज ना सप्लाई करता है, मतलब चीज़ें सर्विस देता है. लाइक वेदास हो गया इसका एक पोर्टल, इसका नाम पूरा है विजुलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्चीव सिस्टम. सो इसमें ये ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें यूजर ऑप्टिकल, माइक्रोवेव और थर्मल एंड हाइपर स्पेक्ट्रल ईओ जो डेटा है वो इसमें कवरिंग करता है इस एप्लीकेशन में. सो इसमें इसका जो यूज होता है लाइक एकेडमिक में हो गया, रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है, इस चीज़ का इस वेदास पोर्टल का यूज़ करता है जो उसने इसरो बोलता है. इसके अलावा मॉसडेक भी है जिसमें मेट्रोलॉजिकल ओशनोग्राफिक सेटेलाइट डेटा आर्चिव सेंटर, तो इसमें इसका होता है, इसमें जो डेटा है वो वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ओशिनोग्राफी, ट्रॉपिक वाटर साइकिल है, इसमें इसका यूज़ करते हैं. तो इसके अलावा ये दो और पोर्टल हैं जिसका नाम वेदास और मॉसडेक हैं, तो इनका नाम याद रखना. देन इसके अलावा जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम जिसका नाम, जिसको नाविक बोलते हैं, जिसको नाविक बोला है, जिसका नाम है नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन है. सो इस चीज़ को भी याद रखना, वो भी एक इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम है जो कि इसरो ने डेवलप की थे, तो इस चीज़ को भी याद रखना. सो इसरो ऑलरेडी काफ़ी सारी सैटेलाइट हैं और ऐसे पोर्टल हैं जो मैप प्रोवाइड कराए, बट उनकी जो सर्विस है वो अभी लिमिटेड है. लिमिटेड इन द सेंस मान लीजिए अभी जो नॉर्मल पब्लिक है वो इनका यूज़ नहीं करती. सो इसी वजह से इसरो मैप माई इंडिया के साथ मिलकर ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, कराएगा मतलब फ्यूचर में. सो इन सब के चीज़ों का सिग्निफिकेंस क्या हो, इन सब चीज़ों का बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा, या इसका प्रॉफिट क्या होगा अगर ये सब चीज़ें कोलैबोरेशन या जो इनिशिएटिव हैं वो कैसे हो जाए. तो सो जो लोकल जो इंडियन कंपनी है वो इंश्योर करेंगी जो मैप है जो इंडिया का वो मिले, बिकॉज जो मैप जो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, जो मैप इंडिया की जो कुछ ऐसे जो लोकेशन है, जो गूगल मैप है वो इंडिया में तो चीज़ें प्रोवाइड करता है, बट जो वर्ल्ड में जो देखा जाए और बाकी कंट्रीज़ में, तो वो उन लोकेशन को इंडिया का पार्ट नहीं बताती. सो इसी वजह से जो इंडियन कंपनी होगी वो उसको इंडिया में एज ए अच्छी तरीके से उस लोकेशन को इंडिया का पार्ट बताएंगे, जो कि गूगल ऐसा नहीं करता कभी एक बार. सो सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री एंड डिपेक्टिंग इंडियाज़ बॉर्डर एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड होस्ट इज मैप्स इन इंडिया. सो इस वजह से जो सॉवरेनिटी होगी कंट्री की वो अच्छी होगी, तो इस वजह से जो लोकल इंडियन कंपनी होगी वो ठीक से जो एकदम रियल मैप शो करेंगी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके अलावा बाय यूजिंग मैप इंडिया मैप्स एंड एप्लीकेशन इंस्टीड ऑफ फॉरेन मैप्स यूजर कैन बेटर प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी. सो इसमें मैप आई इंडिया का मैप्स का यूज़ करके जो प्रोवाइडर हैं, जो सर्विस जो लेते हैं, वो अपनी जो प्राइवेसी को और अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसा कि गूगल मैप में जो बेशक वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, बट इसके बदले में वो आपको एडवर्टाइजमेंट शो करता है. सो ऐसा भी मैप इंडिया ने ऐसा कुछ तो क्लियर नहीं बोला, लेकिन उसको बोलते हैं कि जो सर्विस जो प्रोवाइडर होंगे उनकी हम प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेंगे. इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत में भी इससे बहुत बड़ा पुश में देखने को मिलेगा और जो आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है और जो इंडिया की जो पावर है आईटी टेक्नोलॉजी में और जो इंडिया का जो रोल है ग्लोबल पॉलिटिक्स में और ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा. सो इन सब चीज़ों से ये बेनिफिट है, ये सिग्निफिकेंस है इस इनिशिएटिव का. सो बाकी इसके अलावा अदर देसी इनिशिएटिव इसमें देखा जाए इंडिया के में, जैसे गूगल मैप्स का हो गया कि जो मैप में इंडिया के साथ कर रहा है, तो इसके अलावा ट्विटर का भी अल्टरनेटिव इंडिया देख रहा है, लाइक कू ऐप करके है. सो कू ऐप जो ट्विटर का ही अल्टरनेटिव है, देसी वर्जन है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है. लाइक मेड इन इंडिया कू ऐप सी सर्च इन द पॉपुलरिटी अमिड गवर्नमेंट वर्सेस ट्विटर टसल. सो ट्विटर का गवर्नमेंट के साथ कुछ टसल चल रहा था, बिकॉज कुछ ऐसे अकाउंट थे जो गवर्नमेंट ने बोला था कि उन ट्विटर उनको सस्पेंड कर देगा, बट ट्विटर ने बोला कि वो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ नहीं है. तो इस वजह से गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में कुछ टसल चलता रहता है, तो इसी चीज़ के चक्कर में
कू ऐप आई, जो इंडिया का देसी वर्जन है जो ट्विटर को कंपीट करेगा। सो ऐसे और भी ऐप हैं। सो इसके अलावा व्हाट्सएप का भी अल्टरनेटिव हो गया, लाइक संदेश ऐप हो गया, तो वो भी व्हाट्सएप का एक अल्टरनेटिव है, लाइक व्हाट इज संदेश द गवर्नमेंट्स न्यू इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप। तो ऐसे और भी अल्टरनेट देखने को मिल रहे हैं इंडिया में, जो जाइंट कंपनी है लाइक ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया या गूगल मैप्स हो गया, उनको कंपीट करेंगे। सो इंडिया को इसी चीज़ को देखते हुए इन सब चीज़ों से कम्पीट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर इंडिया को ग्लोबल इमेज और ज़्यादा इन्हेंस करनी पड़ेगी, लाइक यूएसए की तरह सुपर पावर बनना होगा, तो अपने खुद के ऐप्स, इंडिजिनसली ऐप अपने क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि वो किसी दूसरे की चीज़ों पर डिपेंड ना हो। तो ये, और इसके अलावा इससे इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो भी हर्ट नहीं होगी, तो इसी वजह से इंडिया को इन सारी चीज़ों पर और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आप यूपीएससी लाइब्रेरी को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।